हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको घर पर हेयर डमी कैसे वॉश करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको हेयर डमी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हेयर वॉश करते टाइम आपको गुनगुने पानी का यूज़ करना है, ठंडे पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठंडे पानी से आपके जो हेयर डमी हैं उसके जो हेयर हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपको जितना उसके उसमें गुनगुना पानी का यूज़ करना है। बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई शैम्पू का यूज़ करना है, जो आपके पास इस टाइम हो उस शैम्पू का यूज़ कर लीजिएगा। शैम्पू से जो है आपके जो बालों में डस्ट होगी वो सारी निकल जाएंगी, बालों में एक अलग सी चमक और स्मूथनेस आएगी, बालों में अच्छी तरह से शैम्पू का यूज़ करना है। बालों को हल्के हल्के हाथों से वॉश करना है, ज़्यादा कसकर नहीं पकड़ना है। आराम से धीरे धीरे आप हेयर डमी वॉश करिएगा। अब हमने अच्छे से बालों में शैम्पू का यूज़ कर लिया है, अब हम इसमें से शैम्पू को निकाल देंगे, बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। शैम्पू को अच्छी तरह से बालों में से निकाल कर हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। बालों में शैम्पू बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से बालों को धो लेने के बाद, वॉश करने के बाद हम इसमें कंडीशनर का यूज़ करेंगे। शैम्पू अच्छी तरह से निकल जाने पर हम कंडीशनर आप हेयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे, जिससे कि बालों में जो है अच्छे से चमक आएगी और बाल सिल्की दिखेंगे। अच्छी तरह से आप बालों में हेयर कंडीशनर का यूज़ करें, हल्के हल्के हाथों से। अब हम कंडीशनर को निकाल देंगे बालों में से, अच्छी तरह से उसे वॉश करेंगे। अब हम इसमें अच्छे से ड्राई से सुखा लेंगे और आप देखेंगे कि बाल जो है आपके अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, बहुत सिल्की हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।